फ्रेश लोट बना रहे हो, फ्रेश लोगों को खिला रहे हो। ये दाल मखनी है, ये शाही पनीर है, ये राजमा है, ये आलू शिमला है, ये राइस है। शाही पनीर में पनीर तो आपने कम कर दी, कंजूसी कर दिया। तो तीन चार पनीर और डालते ना भाजी, कंजूसी कर रहे हो। अच्छा जी, या तो ढाबे पे आ रखे हैं खाने के लिए, तो भैया बढ़िया सा क्या खाना है, पहले तो खाना बताओ आपके पास क्या क्या है। हमारे पास 60 रुपए की थाली, 70 रुपए का, 80 रुपए के, 90 रुपए का। अच्छा, मेरे को कौन सा खिलाओगे, क्योंकि हमारे साथ जो भाई आ रखा है ना, वो आ रखा है राजस्थान से। अब बताओ राजस्थान वाले भाई को क्या खिलाना पसंद करोगे, क्या खाओगे, बोलो ना, आपका पसंद होना चाहिए। आप बताओ आपको जो अच्छा लगे। हमारे तो सब अच्छे। कहाँ के रहने वाले हो भाजी? बिहार के जी। बिहार में जिला कौन सा? सहरसा। सहरसा जिला था। बिहार में तो लिट्टी या चोखा चलेला, पहले तो लिट्टी या चोखा चली ना, तारा क्या काम करेगा बस सुन ला। यहाँ तो ना ना रोटी चली है। ठीक है, तो एक काम करो, बढ़िया से मेरे को 2 रोटी लगाओ। अच्छा जी, ठीक है, साथ में सब्जी लगाओ और साथ में थोड़ा मसाला वसाला डाल देना, सलाद वाला टाइप का होता है, ताकि राजस्थान वाला भाई आ रखा है, खा के पता चले कि भाई कुछ खा के जा रहा है। हाँ भाई, सही कर। ठीक है पाजी। हाँ पाजी, तो लगाओ भाई, बढ़िया से खाना खिलाओ और लोगों को प्यार बताओ कैसा हो रहा है। ये सही लगाया, फ्रेश लोट बना रहे हो, फ्रेश लोगों को खिला रहे हो। छोले भटूरे लगाओ, कितना थाली लगाओ आपका? 3। बढ़िया सा। अरे एक ही लगाओ उनको, एक ही लगाओ। ये लो 20 रुपए करी चावल। कौन है? 40 रुपए लेता है, 40 रुपए ले। हेलो, 40 बोल रहे हैं। लो जी। ओहो, क्या क्या है पाजी, एक बार पहले बताओ प्यार से। इसमें ये तो आपने दे दिया राजमा चावल, ये शाही पनीर हो गया, दाल मखनी रहता, राजमा चावल, 2 आलू। शाही पनीर में पनीर तो आपने कम कर दी, कंजूसी कर दिया। तो 3-4 पनीर और डालते ना भाजी, कंजूसी कर रहे हो। अच्छा जी, डालो यार 3-4 और। बंदा दूर से आ रखा है खाने के लिए, नाम तो ले रहा भाजी, शाही पनीर खाने आ रखा आज। हाँ यार, फैमिली वाले बंदे आ रखे, खिलाओ बढ़िया से और बढ़िया बढ़िया रोटी लगाओ गरम गरम। हाँ जी, आओ बैठो जी, बैठो। क्या खाएंगे? आइए, छोले भटूरे, आलू परोठा, बटर नान, चूर नान। आओ, ये रोटी तो डाल दो, बिठा दिया आपने। अरे गुरु, रोटी तो निकलने दो, गरम। अच्छा, ताजा तो था, गरम गरम आ रहे हैं। अच्छा, गांव जाते नहीं जाते? गांव जाते, साल में एक बार जाता हूँ, वो भी 2 दिन के खातिर। 2 दिन के लिए? हाँ। तो इसका मतलब फिर ट्रेन से जाते हो गए आप? हाँ यार, सही कह रहे हो यार, राजधानी से जाते हो? नहीं नहीं, हम एक ही देना, टेस्ट करना। ये क्या लगाया साथ में? मक्खन? हाँ, बटर। तेरी की, कौन सा वाला बटर है पाजी? ये अमूल का है पाजी। बताता हूँ खा के किस तरीके का हो रहा है। हाँ, चेक करिए, खा के चेक करो भाई। ये रोटी आ रखी है मस्त। और जी क्या खाएंगे? आलू टेस्ट करके बताता हूँ किस तरीके का है। साथ में लिया हमने मखनी दाल, दाल चावल, छोले चावल। बताता हूँ, जिस तरीके से कहते हैं ना, घर पे फैमिली वाला ढाबा, अगर घर मिस कर रहे हो, चांदनी चौक में आ रखे हो दोस्त, तो बढ़िया से खा सकते हो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको राजमा भी मिल जाएगा, चावल भी मिल जाएगा। देखो चावल और राजमा का कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। चांदनी चौक में भाई शॉपिंग करने आपको ज्यादातर बंदे शॉपिंग करने आते हैं, फैमिली के साथ सैटरडे संडे कर्फ्यू के दिन आ जाते हैं, तो भैया शॉपिंग करने के बाद कुछ खाने का मन है, तो बढ़िया से बैठने की भी जगह है। मैं भी देख लो आपकी तरह देसी अंदाज में बैठ रखता हूँ, बैठ के आराम से खा रहा हूँ और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोग भी आओ, अपने फैमिली के साथ आ सकते हो, तो आ जाओ। शाही पनीर आपको मिल गई, साथ में रोटी है। मिस्सी रोटी खानी है तो मिस्सी रोटी खा लो, जैसे आपका दिल करे। देखो शाही पनीर में भाई ने थोड़ी सी कंजूसी कर दी, इसलिए शाही पनीर दिखा नहीं सकते, फिर भी दिखा देता हूँ। 2 ही पनीर डाला भाई ने शाही पनीर में, और ये बढ़िया से क्रीम डाल रखा है मखनी दाल में। तो गर्मी आ गई तो भैया रायता, तो बढ़िया भाई फैमिली के साथ अगर आ रहे हो ना, ये देख लो भैया, राजमा चावल बढ़िया से इन्होंने राजमा और चावल के कॉम्बिनेशन कर रखा है। साथ में इन्होंने भैया प्याज दे रखा है और मूली दे रखा है साथ में खाने के लिए। अब आपको राजमा और चावल का टेस्ट बताता हूँ किस तरीके का हो रहा है। मैं ठीक हूँ, उन्होंने एवरेज जिस तरीके से कह सकते हैं ना, ज़्यादा अच्छा तो नहीं, पर ये है कि ठीक है यार, काम चलाने के लिए बढ़िया है। कम पैसा भी तो दे रहे हो भाई, 60-70 रुपये में अगर आपको पूरा फैमिली वाला खाना मिल गया तो और क्या चाहिए। बढ़िया सा मैं भी टेस्ट करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए क्या करना है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कर देना और प्यार से उन लोगों तक वीडियो पहुँचानी है जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुँची। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।